दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर हमने आपके साथ शेयर किया था अपना, उसमें जो आधुनिक भारत का इतिहास है कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हम लोग बिहार के एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में जानते हैं, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एक हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है सेगमेंट वाइज पढ़ने के लिए एक हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया था। तो उसके में पहला लेक्चर जो हुआ था भारत में यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन पे हमने बात किया था, लेकिन हमने कहा था कि जब मुगल काल का ढांचा गिर के ध्वस्त होने लगता है उस पीरियड में जो लेटर मुगल कहलाते हैं, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद 1857 तक में लगभग उतने मुगल सम्राट बनते हैं जितने पिछले 200-300-250 सालों में नहीं बने थे, 1526 से जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बाद से। तो इसमें ऐसा ऐसा क्या रीजन रहा और कैसे कैसे क्या बने हमको वो समझना है। देखिए मुगल साम्राज्य का जो ढांचा था बहुत केंद्रीकृत था, मतलब दिल्ली से वो शासन करते थे, लेकिन जैसे ही उनका शासन ढांचा कमजोर होता था तो सामंत जो थे उनके जो मतलब सेनापति थे या उनके भेजे गवर्नर थे वो विद्रोह करके अपना राज स्थापित कर लेते थे। लेकिन इन चीजों को दबाने के लिए जैसे मान लीजिए कि जहांगीर जब राजा है तो उसने अपने बेटे को, अकबर जब था सॉरी अकबर जब मेन राजा था मतलब मुगल सम्राट था, तो उसने अपने बेटे को अपने विश्वसनीय लोगों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेज के रखा था। हम पढ़ते हैं कि वहाँ का गवर्नर था वहाँ का गवर्नर था, उनको लगता था कि जैसे जिस सेंटर पे विद्रोह हो सकता है वहाँ पे वो लोग मजबूत सेनापति रखते थे। तो ये होता था विद्रोह को दबाने का तरीका। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो सारे के सारे कमजोर पड़ने लगे, तो उसके बाद जो उनके छोटे छोटे रीजनल सेंटर थे वहाँ के जो राजा थे वो स्वतंत्र होने लगे। तो उसी पीरियड में हम देखेंगे कि हैदराबाद, बंगाल, बंगस पठान और कर्नाटक, अवध, इन सब में, रुहेलखंड में छोटे छोटे जो हैं राजा हैं गवर्नर हैं उन्होंने शासन की स्थापना की। तो हम इसको लिंक करेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है और कैसे छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित होते हैं। तो उसमें कुछ कुछ जो है जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल, तो बेसिकली डिटेल में पढ़ना है बंगाल, मराठा, मैसूर, इन सब की एक अलग मतलब लंबी हिस्ट्री है, तो उसको एक हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले देखते हैं 1707 से लेके 1757 या मतलब उस पीरियड को हम अभी समझेंगे। तो ये जब आपका पढ़ लेंगे तो आपको समझ हो जाएगा कि मुगल के जैसे 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 यहाँ पतन हो रहा है व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी कंपनियाँ पैरेलली आ रही हैं और उनमें से जो युद्ध हो रहा है मतलब उनके बीच में जो टसल हो रहा है और उसमें से जो निकल के बनेगा वो भारत का साम्राज्य स्थापित करेगा। देखिए यहाँ पे तीन मतलब तीन तीन जगह त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है, मैच चल रहा है। यहाँ पे एक है, इधर है पुर्तगाली, डच और अंग्रेज एक साइड में, इधर है मराठा, निजाम और यहाँ पे मुगलों के साथ, एक है इधर मुगल हैं, मराठा हैं और उधर से अफगान। तो तीन तीन मोर्चे पे तीन तीन युद्ध चल रहा है और इसमें से इतना मतलब जोड़ तोड़ होता है और अंत में गद्दी अंग्रेजों को मिलती है, मतलब भारत पे अधिकार उनका होता है कंप्लीट। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए लुसेंट वाले इस ए में यहाँ से इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में। मेरे पास वो पेन का इंक खत्म हो गया इसलिए इसको लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से देखिए ये वाला पेज पे आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बेसिकली बहादुर शाह और उनमें काफ़ी अच्छे संबंध भी थे गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह में। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके जो चार बेटे थे आपस में लड़ाई करने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें जो उनका सबसे बड़ा बेटा है जिसको मोहम्मद मुअज्जम कहा जाता था, वो मुअज्जम जैसे तैसे करके वो जीत जाता है और उसको गद्दी मिलती है लड़ाई में, ठीक है। तो जैसे उसको गद्दी मिलती है तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से वह राज करता है। तो जब बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है तो उस समय उसकी एज 63 होती है। तो उसके बारे में खफी खां जो है जिसने उत्तर मुगल काल इतिहास को बहुत कवर किया है, मैंने कल भी उसका नाम लिया था, तो उसका कहना है कि या तो वृद्ध वृद्ध तो है ही, आलसी है या मतलब निष्क्रिय है या बहुत समझदार है। वो देख रहा है कि ये दो पक्ष हो सकते हैं उसके, वो देख रहा है कि मुगल साम्राज्य तो अब टूटने वाला है तो हमें बहुत सारा समझौता करना चाहिए छोटे छोटे इग्नल पे। तो खफी खां का कहना है कि या तो बहुत समझदार है या तो निष्क्रिय है, तो उसे वृद्ध भी कहा जाता है, सबसे वृद्ध एज में बना था, 63 साल में बना था। आलसी है, उदार भी है, उदार है। उसने जो जो छोटे छोटे स्थानीय राज्य थे जैसे मराठा, सिख, इसके साथ में संबंध अच्छे करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा जाता है एक मिनट, साहेब बेखबर, उसको साहेब बेखबर कहा जाता था। और इसका एक जो युद्ध है आपको याद रखना है 1708 में, वो जजाऊ का युद्ध अपने भाइयों से लड़ के आया था 1708 में, जजाऊ का युद्ध जो कि पूछा है पिछले बार एग्जाम में,
जजाओं के युद्ध में अपने भाइयों के साथ युद्ध करता है और उस युद्ध को वो जीतता है। ज्यादा साल वो रहता नहीं, 63 साल केज में करता है, 4 साल 1711-12 तक रहता है। उसी के पीरियड में डच प्रतिनिधि आया था, जेसुआ कटलार नाम था, इस बुक में नहीं दिया है लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए इसमें जो जो चीज इससे कवर हो गया, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, मैंने बता दिया, बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता था। तो ये दो चीज हमने इसके साथ साथ कंप्लीट कर लिया। गुरु गोविंद सिंह से उसके अच्छे संबंध थे, ये इसके बारे में। अब देखिए बहादुर शाह के बाद जहानदार शाह आता है, जहानदार शाह के बाद फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह आता है, आलमगीर द्वितीय आता है, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो वो हम जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। यहाँ पे आपको मैं चार मेन मेन के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले है बहादुर शाह प्रथम, और उसके बाद है जहानदार शाह, उसके बाद है फर्रुखसियर, उसके बाद है मोहम्मद शाह। तो आपको एक ट्रिक से याद रखना है कि मैं हमेशा बजते रहता हूँ एफएम की तरफ, तो आपको उस पर याद रखना है बज एफएम। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बज एफएम, क्योंकि ए वाला बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ब से हो गया बहादुर शाह, जो भी हमने कर लिया, ज से हो गया जहानदार शाह, एफ से हो गया फर्रुखसियर, और एम एम से हो गया मोहम्मद शाह। इन चारों को याद रखना है, बीच में रफी उद्दौला ये भी दो तीन आए थे लेकिन इनका कोई वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है जिसको हम याद रख सकते। उसमें से बेचारा एक टीबी से मर गया था, पेंची से मर गया था, और एक बहुत अफीम खाता था, तो वो भी उसका भी राम नाम सत्य हो गया था। और उनको सैयद बंधुओं ने बैठाया था कुछ कुछ समय के लिए, तो उसके माकूल नहीं थे तो उनको हटा दिया। तो इनको हम याद नहीं रखेंगे लेकिन हम बज एफएम को याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद ज से जहानदार शाह, फ से फर्रुखसियर, और एम से मोहम्मद शाह। यहाँ पे आपको इस ए में दिखेगा इन चारों, बहादुर शाह, जहानदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। फिर अहमद शाह के पीरियड में भी कुछ नहीं हुआ है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को हम याद रखेंगे, अकबर द्वितीय को भी याद रखेंगे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को उपाधि भी दिया था और वहाँ उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की थी, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। इन चारों को आपको याद रखना है बज एफएम, ठीक है। तो अब आइए देखिए, अब इनके बहादुर शाह जो जफर प्रथम थे, बहादुर शाह जफर प्रथम, इनके मृत्यु के बाद ये लड़के इनके आपस में चारों इतना लड़ते हैं कि बेचारे का एक साल मतलब एक महीने तक इनके शव को दफनाया नहीं जाता। उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ठीक है। तो उसमें उत्तराधिकार के युद्ध में नाम है उनका जो इसके बाद बनते हैं जहानदार शाह। जहानदार शाह के बारे में मैंने बता दिया, जहानदार शाह चौथे दूसरे नंबर पे है। जहानदार शाह एक जुल्फिकार खां है जो तो ईरानी, देखिए पहले वहाँ पे ना, अच्छा चलिए ये पहले सुन लीजिए। जहानदार शाह उसमें वहाँ पे युद्ध करते हैं और उसमें विजय पाते हैं। जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। एक चीज़ और याद रखना है, देखिए यहाँ पे चार राजा हैं, बज एफएम, बहादुर शाह, जफर, जहानदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह, सबको कुछ ना कुछ उपाधियां दी गई हैं। जैसे कि बहादुर शाह प्रथम को दिया गया था, ये बुजुर्ग थे इसलिए इनको साहेब बेखबर, मतलब कि शासन से कोई मतलब नहीं था, खफी खा इनको कहता था। दूसरा उसके बाद जहानदार शाह आता है तो उसको कहा जाता है कि लंपट है, लंपट मूर्ख है। उसके बाद अगला जो आता है फर्रुखसियर, उसको कहा जाता है कि वो घृणित कायर है। और इसके बाद जो आता है उसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो एक मैं आपको सिक्वेंस समझा देता हूँ एक बच्चे के एग्जाम्पल से। जब देखिए जब बच्चा शुरू में बचपना रहता है, उसमें जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको कहते हैं कि बड़ा लंपट लड़का है, मतलब बदमाश उसको नहीं कहते, लंपट हम लोग कहते हैं कि बहुत लंपट बा। तो इस पीरियड में सबसे पहले है जहानदार शाह, वो उसको समझिएगा कि पहला एज है, तो वो बच्चा है लंपट है। और उसके बाद जब थोड़ा सा लंपट आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि जब थोड़ा सा किशोर होता है, स्कूल वगैरह में जाता है और मतलब थोड़ा एक्टिव नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मतलब बहुत कुछ बढ़िया नहीं करता है, तो उसको सब कहते हैं कि कायर हो गई बा लगातार, कि मतलब असली नहीं खेल कायर हो गई बा। तो उसके बाद लंपट मतलब युवा अवस्था, छोटा बच्चा युवा अवस्था यानी कि कायर, उसको हम ये करेंगे फर्रुखसियर से। और जब बच्चा वही बच्चा कायर बच्चा आगे बढ़ जाता है तो अकेले रहता है, बहुत रंगीले रंगीले काम करता है, वह रंगीला हो जाता है, तो इसको आप रंगीला बादशाह कहिएगा मोहम्मद शाह को। तो आपको इन चार बज एफएम का चारों उपाधि याद रखना है। जैसे बहादुर शाह का साहेब बेखबर, इनका हो गया लंपट, और उसके बाद घृणित काया, रंगीला बादशाह। ये एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, हमेशा पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो अब आइए जहानदार शाह के बारे में। जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। उन्होंने देखिए जब वो शासन पे बैठे जुल्फिकार खां की हेल्प से, तो उसने क्या किया था कि जो जाजिया कर पिछले से पहले से चला आ रहा था, इरादत खां के हेल्प से उसने ये बंद करवा दिया था, ठीक है।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें यहाँ पे इस वाले बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूसरे और कहीं पे दिया है कि लाल कुमारी नामक एक वेश्या से उसका बहुत मतलब संबंध था, और इस संबंध में उन्हें पपेट बन गया, जो कहती थी, कहा जाता था कि उसका आवाज इतना था बढ़िया था, और सुंदरता तो खैर हो गई, सुनने के लिए जहानदार साहब पागल हो जाता था, जो कहती थी वही करता था। एक बार उसके बारे में कहानी है कि बोली कि हम बहुत दिन से लोगों का, मरते हुए लोगों का चीख नहीं सुने हैं, तो नाव गंगा में जहां भी जा रहा हूं, गंगा एग्जाम्पल ले लिए, बोला कि नाव, कोई नाव को पलटवा दो, आदमी मरेगा चीखेगा तो हमको सुन के अच्छा लगेगा। तो इस टाइप से बहुत सारा काम करती थी, और फिर वही लाल कुमारी वेश्या उस पर कब्जा करने लगी, उसके जो बेटे थे उसमें से दूगो का आंख भी फोड़वा दी, मतलब उस शासन में हस्तक्षेप करने लगी। यही एक करके जो उसका भतीजा था, खैर भतीजा जो था उसका फरुखसियर, उसको शासन तो चाहिए ही था, लेकिन इन सब चीज़ों से और भी वो गुस्से में आ गया कि ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रहा है, और फरुखसियर ने जहानदार शाह को की हत्या कर दी, जो उसका भतीजा था, और फिर वो शासन पे बैठ गया, और वो जब राजा बना, मतलब मुगल सम्राट बना, वो हेल्प से बना था। दो उसमें प्रमुख थे, अमीर कहा जाता था, जिनका बहुत वैल्यू होता था वहाँ के कोर्ट में यानी राज दरबार में, वो अमीर कहलाते थे। तो ये सैयद बंधु जो थे, इनके हेल्प से फरुखसियर बनता है फिर से अगला मुगल सम्राट। तो यहाँ पे आपने देखा है लाल कुमारी वेश्या वाले बात मैंने बता दी है। अब जैसे उसका खत्म होता है, तो फरुखसियर उसका मर्डर करके, मतलब हत्या करके वो राजा बन जाता है। तो उसको राजा बनाने में दो भाइयों का बहुत हेल्प था, मदद था, जिसको हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां कहा जाता है। इनको किंग मेकर कहा जाता था। किंग मेकर इसलिए कहा जाता था कि पहले इन्होंने फरुखसियर को राजा बनाया, और जब फरुखसियर चाह का पावर, सारा पावर इन्हीं के पास था, तो फरुखसियर को लगता था कि हमको पावर ट्रांसफर करना चाहिए, इनसे अपने हक में लेना चाहिए। तो उन लोगों को पता चला, और बीच में बहुत बड़ा घमासान हुआ, और इसको भरे राज दरबार से लोग मारा था, मार मार के निकाला, और फिर बहुत तरीके से अंधा कराया और इसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद दो छोटा छोटा पपेट राजा बनाया, जिसके बारे में बताया कि एक पेचिस और टीबी से मर गया, और एक अफीम खा के मर गया। तो उसके बाद उन्होंने अगला ये बनाया मुहम्मद शाह को, तो इनको कहा जाता था किंग मेकर। देखिए, जो मुगल दरबार होता था ना, उसमें बहुत सारे जो अमीर होते थे पावरफुल, जैसे अभी के टाइम में जो होते हैं बिजनेस टाइकून, उनका सरकार पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव होता है। तो वो ऐसे नहीं दिखे या नहीं दिखे, लेकिन उनके हिसाब से ही सरकार नीति निर्णय बनाती है, कहीं भी हो, कोई भी सरकार हो। तो वो अमीर कहा जाता था। तो उस समय चार प्रकार के अमीर होते थे, जो ईरान से आए थे उनको ईरानी कहा जाता था, जो मध्य एशिया से आए थे तुरानी, ईरानी तुरानी जो मध्य एशिया से थे उनको तुरानी कहा जाता था, और एक थे अफगानी, जो अफगान वगैरह से आए थे, और जो एक हिंदुस्तान के जो पुराने वाले थे, हिंदुस्तान में बसे हुए थे, ईरानी तुरानी अफगानी हिंदुस्तानी। तो इस सैयद मंजू जो थे हिंदुस्तानी अमीर थे, तो इनका थोड़ा सा मतलब इंडिया की तरफ भी झुकाव था, और इनको किंग मेकर कहा जाता था, इसको आप समझ लीजिए। उसमें जो अब्दुल्ला खां था, वो बड़ा भाई था, उसको उन्होंने वजीर बनाना पड़ा, फरुखसियर को बने होंगे खुद से, उसको वजीर बनाना पड़ा था। तो आप इसको याद रखिए कि बड़े भाई को जो अब्दुल्ला खां था, उसको उन्होंने वजीर बनाया, और छोटे वाले को हुसैन अली को उसने मीर बख्शी, यानी कि मीर बख्शी, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इससे रिलेटेड है, तो मीर बख्शी सेनापति कहा जाता था। तो उन्होंने सेनापति बनाया था मीर बख्शी को, और वो चाहता था कि इनको तोड़ दें, अलग अलग कर दें। तो उसको निजाम और हैदराबाद का उस साइड, उसको मीर का क्या नाम है इसका, मीर बख्शी जो था हुसैन अली, इसको सेनापति बना के भेज रहा था कि इसको इधर भेजेंगे और इसके भाई को दबा देंगे और फिर मार देंगे और फिर राजा बन जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और फरुखसियर की उन्होंने हत्या कर दी खुद से, और उसके बाद छोटे छोटे राजा बनाए छोटे छोटे टाइम के लिए। और 1717 में अंग्रेजों ने बहुत सारा रियायत दिया था, 1717 में फरुखसियर ने, क्योंकि उस समय उसको चाहिए होगा बिजनेस पैसे को, तो ऐसे ही वो लुटा रहे थे, तो उनको चाहिए था। तो उन्होंने 1717 में छोटे छोटे फरमान जारी किए थे, ये इससे रिलेटेड है। फरुखसियर के बारे में इतना ही, दो लाइन दिया है मैंने, 5-10 लाइन बता दिया, किंग मेकर के बारे में बता दिया, सैयद बंधुओं को जिसमें बड़े वाले को वजीर कहा जाता था, वजीर था अब्दुल्ला खां, छोटा वाला जो था वो सेनापति था। तो इस तरीके से इनकी कहानी खत्म होती है। अब उसके बाद छोटा एक रफीउज्जरात और रफीउद्दौला को बनाया, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अगला वो बनते हैं मुहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। जैसे मैंने सीक्वेंस में कहानी समझा दी, आप समझ गए होंगे, रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता था कि काम धंधा वो छोड़ के इसी में करता रहता था। महिलाओं, उस समय महिलाओं और वेश्याओं का बड़ा मतलब कोर्ट में वैल्यू बढ़ गया था, एक अलग उनका कंपनी बन गया था, और वो सब उनके हिसाब से ही काम होते रहता था। तो कुछ वो किया नहीं, उसका पीरियड था 1719 से 1748 तक, लंबा पीरियड था। इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुई, दो, 1737 में मराठा मानूस वीर बाजीराव, ठीक है, 500 घोड़ा लेके दिल्ली पे चढ़ गए थे, जब उनके बारे में बड़ी मतलब जब बाद में बताएंगे तो बताएंगे
जब कहा जाता है कि वो घोड़े पे बैठ के आ रहे थे, इतना दिन घोड़े पे बैठे कि उनका ऐसे पैर वैसे ही वैसे रह गया था, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। और उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया है, तालकटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, वहां पे एकदम ऐसा एक ही आके वो लगा कि हम नहीं बचेंगे, वो भागने के चक्कर में था, फिर मतलब जैसे तैसे कुछ ना कुछ हुआ। ये था मराठा मानुस। उसके बाद इसमें नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया और बहुत सारा तख्ते ताऊस ले गया, मयूर सिंहासन ये सब करके ले गया। और इसी पीरियड में जब का एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो तख्ते ताऊस है, मयूर स्वर्ण सिंहासन है, इसमें बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था, तो कहा जाता है मुहम्मद शाह को, क्योंकि उसके बाद तो लेके चला गया था, उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था और कोहनूर हीरा भी अपने साथ वही लेके गया था। तो ये पीरियड है 1739 का, तो इसमें आपको याद रखना है, ये मैंने कर दी। देखिए अब इसी पीरियड में सैयद बंधुओं का मर्डर हो जाता है। देखिए अब इसके बाद मोहम्मद शाह, चार कहानी मैंने बता दिया, बहादुर शाह, जफर, जहानदार शाह, फरुखसियर, मोहम्मद शाह। अब उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह बहुत ऐसा कोई उनका काम नहीं रहता, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से 1759 तक बने हैं, ठीक है। इसी पीरियड में अहमद शाह अब्दाली था, आक्रमण का नाम झड़ी लगा दिया, लाइन कभी जीतता कभी हारता। इसका जो सेनापति था नादिर शाह का, ठीक है। और उसके बाद शाह, यहाँ पे देखिए आप, शाह आलम, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है। जब और थोड़ा हम क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, जैसे बंगाल, निजाम और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे, तो इनकी भी बातें डिस्कस होगी। इस देखिए बेसिकली हमने जो मेन मेन चार थे और मैं क्या कैसे इनका टाइटल याद रखना है, क्यों ऐसा वो कहेगा, हमने याद कर लिया। अब जो छोटे राज्य हैं उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है दक्कन में जो निजाम है उनके बारे में। तो 1708 में जैसा हम बताए थे, उस समय दक्कन का स्वतंत्र जो सपना था, आसफ जाही एक थे हैदराबाद के निजाम जो थे, आसफ जाही थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लास्ट में जब पढ़िएगा कि जब भारत और पाकिस्तान में जो राज्य हैं उन कौन कहाँ रहेंगे, तो आसफ जाही वंश के ही थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था। तो फिर एक ऑपरेशन के तहत उनको भारत में मिलाया गया था, ठीक है। जुल्फिकार खां के बारे में मैंने बताया सबसे पहले कि जो जहानदार शाह का हेल्प करके उसको राजा बनाया, तो वो सपना देख रहा था कि साउथ को कुछ ऐसा बनाया जाए, और जुल्फिकार खां को उस समय दक्कन का वायसराय बनाया गया था कि भाई जाइए उस साइड भी देखिए। तो उस समय उसका कोई इंटेंशन नहीं था। 1617 तक में उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद उसके जगह पे चिनकिलिज खां को दक्कन का वायसराय या गवर्नर जो भी बोलिए बनाया गया सैयद बंधुओं के हेल्प से। आप इनका पीरियड याद रखिएगा, 1707-08-10-11 के बाद सैयद बंधु 10 साल तक बहुत सत्ता में रहते हैं। तो 1717 में चिनकिलिज खां को उधर दक्कन का वायसराय बनाते हैं, वो वहाँ बहुत काम करता है, लेकिन जब इधर आता है दिल्ली में वजीर बनता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ चाहता है, देखता है कि इतनी यहाँ अव्यवस्था है महिलाओं में, राजा जो है वेश्याओं के साथ हैं, कोर्ट में जो है अमीरों का प्रभुत्व है, कोई शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसको सुधारने का कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब राजा के जो आसपास लोग होते हैं कमजोर हो जाते हैं, तो राज का विनाश निश्चित होता है। तो वो उसको वहाँ भाया नहीं है, फिर वो वापस आ जाता है शिकार के, हम शिकार करने जा रहे हैं, और दक्कन में चला जाता है। तो मोहम्मद शाह को लगा कि भाई हमारा बात को टाल के ये कैसे वहाँ चला गया, वो बोला होगा कि यहीं रहिए, लेकिन देख के वहाँ व्यवस्था वहाँ से वापस आ गया। तो मोहम्मद शाह को ये बात बुरा लग गया कि हम तुमको आदेश दिए तो तुम क्यों चले गए। तो चिनकिलिज खां का कहना था कि भाई साहब, राजा जी, आपके आसपास तो बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जिससे कि आप घिरे हुए हैं, और आप राज्य का कोई विकास विकास तो हो नहीं रहा है। तो बोला कि तुम मत हमको सिखाओ। तो इसी में वो चला गया नाराज होके। तो वो गवर्नर मुबरीज खां जो था, मुबरीज खां को दक्कन का वायसराय बना दिया, और बोला कि जाओ निजाम को पकड़ो, हम तुमको ये करेंगे। तो निजाम को पकड़ने जाता है वही 1724 में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण युद्ध है सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में। मुबरीज खान जिसको मतलब मुगल का वो गवर्नर था, इसलिए उसको मुगलों और उसके बीच का कहा जाता है। तो मुबरीज खान और इनके बीच युद्ध हुआ, और मुबरीज खान को पटक पटक के मारा और वहाँ जीत गया, और दक्कन का वो स्वामी बन गया। वहीं पर उसको चिलकिलिज खां को आसफ जाह की उपाधि मिली है, और उसी ने हैदराबाद के ये जो है उसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको मानेंगे कि हैदराबाद के जो ये थे चिनकिलिज खां थे, और क्या बोलते हैं उनको, आसफ जाह की उपाधि दी गई थी। ये जो इधर से बंद हो गया यार, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा बहुत। तो ये हो गया आपका हैदराबाद। अब उसके बाद हैदराबाद के बाद आते हैं अवध। अवध के जो संस्थापक था ना, उसको सआदत खां कहा जाता है, या बुरहानुल मुल्क। उसके बाद आप लोग बहुत नीचे आइएगा, उसके बहुत सारे उत्तराधिकारी, तो उसमें भी एक का नाम सआदत खां है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सआदत खां ही है, और उसको बुरहानुल मुल्क कहा जाता है, ठीक है।
वो जो सैयद बंधु के साथ भी षड्यंत्र में भाग लिया था, लेकिन इसको अवध का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था और बुरहानुल मुल्क का इसको उपाधि मिला था, ठीक है। तो 1739 में जब नादिर शाह आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने के बाद बहुत वीरता से लड़ा, राजा की तरफ से गए, उसको जब अवध का गवर्नर बना दिया गया तो उसके तरफ से लड़ा नादिर शाह के विरुद्ध बहुत वीरता से, लगा उसको कि हम जीत जाएंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो जीत हार गया, वो बंदी बना लिया गया। तो वो अपना दूसरा पासा फेंका, बोला नादिर शाह को कि सर जी यहाँ पे आप मतलब चलिए दिल्ली, हम आपको लुटवाते हैं, लगभग 20 करोड़ रुपया तो मिल ही जाएगा। 20 करोड़ का उसको प्रलोभन दे दिया, वो दिल्ली में घुस गया। अब 20 करोड़ नहीं मिला, अगर दांव पड़ गया उल्टा, तो अब बोला कि 20 करोड़ नहीं मिला तोरे लूटेंगे, तोरे मारेंगे। तो अब शहादत खां जो था बुरहानुल मुल्क, वो बेचारा गम में मतलब डर से 20 खा के आत्महत्या कर लिया। तो उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी, तो वो अपनी बेटी का शादी किया सफदरजंग से, सफदरजंग से किया, जो उसका बाद में उत्तराधिकारी बना, है ना। तो ये हो गया अवध, ठीक है। 20 मिनट देखिए इसमें मैंने इतना कंप्लीट करा दिया, पूरी की पूरी कहानी समझा दी। अब देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है अवध, कट हो जा, डिलीट हो जाए, हाँ अवध है, सादत खां बुरहानुल मुल्क आपको याद हो गया, हैदराबाद कहानी बता दी, रुहेलखंड को आपको याद कर लेना है, वीर दाऊद अली मोहम्मद खां ये भी छोटे राजा थे, बाद में स्वतंत्र हो गए, रुहेलखंड के स्थापक याद कर लेना है, बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक था जो मुर्शिद कुली खां था, औरंगजेब के टाइम में ही वहां का दीवान और नायब सब था, ठीक है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कहानी बदलने लगी, बंगाल के बारे में हम अलग से बता देंगे। कर्नाटक को आपको याद रखना है, कर्नाटक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ई सादुतुल्ला खां होगा, भरतपुर का पूछा नहीं है, राजस्थान के एग्जाम में पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। इस वाले में तुरानी, हुसैन अली और सैयद बंधु की हत्या हो गई थी, किसने किया था, तुरानी। जैसे मैंने बताया ना कि चार हैं, हिंदुस्तानी, अफगानी, ईरानी, तुरानी, तो सबका आपस में द्वंद चलता था। तो देखिए तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर को सैयद बंधु की हत्या कर दी थी, ये भी प्रश्न आप याद कर सकते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिच खान ने निजामुल उल मुल्क की धारणा की और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, इसको अभी हमने डिस्कस कर लिया, हैदराबाद के स्थापना। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली का शासक उस समय तो मोहम्मद शाह था और उसको नेपोलियन कहा जाता है, ये डिस्कस कर लिया। तख्ते ताउस और 70 करोड़ रुपए लेके गया था, पिकॉक थ्रोन भी, ये हमने बात कर लिया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। और इसके बाद एक इसमें फैक्ट दिया है कि शाह आलम जिसको द्वितीय, जिसको अली गौहर भी कहा जाता है, कि शासनकाल में अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे जब इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए अब इसमें राजपूतों के बारे में दिया है, तो राजपूतों के बारे में मॉडर्न इंडिया में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि उनका राजस्थान और ये सब में कैसा शासन था, ठीक है। सिख के बारे में जब पढ़ना होगा तो सिख के बारे में एक शुरू से इतिहास है, उसको हम क्षेत्रीय राज्य में डिस्कस करेंगे, और मराठों के बारे में तो एक अलग ही कहानी है। तो इस तरीके से ये वाला सेगमेंट पूरा हुआ। ये वाला दूसरा सेगमेंट था जिसमें आपको एक और कहानी समझ में आ गया कि कैसे बज एफएम यानी कि बहादुर शाह जफर, जहानदार शाह फरुखसी और मोहम्मद शाह, और उसके बाद वो तो हो गया साहेब खबर, फिर इधर है लंपट, उसके बाद घृणित कायर, उसके बाद रंगीला बादशाह, इनकी कहानी कैसे कैसे इन्होंने काम किया और क्या क्या हुआ। सैयद बंधु वाली कहानी मैंने समझा दी, 20 मिनट लगा। इसके बाद अगला में हम देखेंगे जो मेन मेन क्षेत्रीय राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए एक छोटा सा कल वाला लेक्चर आपको कैसा लगा था बताइएगा, ठीक है। देखिए मेरे पास बोर्ड वगैरह का अभी तो व्यवस्था है नहीं, बाकी जो हो रहा है उसको मैं कंप्लीट कर अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अभी जो ए वाला चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से ऊपर से अभी ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। आप इसको पढ़िएगा तो एक बार ऐसा दिमाग में घुसेगा कि फिर कभी याद नहीं, मतलब भूलिएगा नहीं, तो आप इसको पढ़ लीजिए तब तक के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें मराठा निजाम, सॉरी मैसूर, बंगाल, इन सब का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मतलब पीरियड वाइज कि कैसे कैसे आपको याद हो जाए वो कहानी वाइज, हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।